नाउ ईमेल वैलिडेशन हमने परफॉर्म किया, नाउ हम स्टूडेंट को सेव करेंगे डेटाबेस में। सो डेटाबेस में सेव करने से पहले हमको सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमको एक्सेस कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज़ एक्सेस किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, स्ट्रिंग, जेंडर। सो मैंने जो जेंडर है उसको कैरेक्टर फील्ड में लिया हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो हम इसको कैरेक्टर में ट्रीट करेंगे। सो कैरेक्टर जो जेंडर होगा हमारे पास, ठीक है, सो मैंने इसको नाम दिया जेन, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा एम। ओके, तो मुझे इसको कैरेक्टर में होल्ड करना है। सो स्टार्टिंग मैंने प्लानिंग की थी कि स्ट्रिंग करना है। ओके, सो नाउ हम इसको कैरेक्टर में हैंडल करेंगे। सो यहाँ पर हमने कहा एम, और अगर ये फीमेल होता है तो यहाँ पर मैंने कहा जेंडर इज इक्वल टू कैरेक्टर में हम इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं। फाइन, सो ये फाइन, इस तरह से हमने यहाँ पर यूज़ करना है इसको। सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं मेरे पास, नाउ मैं इन वैल्यूज़ को सेव करूँगा। सो मैंने वैलिडेशन यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। नाउ यहाँ पर आप देखोगे सेव करने का जो कोड है मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो सेव करने का जो भी कोड है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको सेव करने का जो मेथड था वो उसको कॉल करना है। तो इस तरह से ये जो स्टूडेंट है वो सेव हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सो नाउ सेव स्टूडेंट, फाइन। सो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट एस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कहा सबसे पहले मुझे इसे इम्पोर्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने कहा स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, क्योंकि जो सेम मेथड है वो एक इंस्टेंस मेथड है। ओके, और इंस्टेंस लेवल का मेथड है तो मुझे उसे ऑब्जेक्ट पर कॉल करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर देखोगे आप कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है। सो पैरामीटर में आपको क्या क्या पास करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जो हमारा पैरामीटर है वो इस तरह से है, ठीक है। सो मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो सीक्वेंस है वो मुझे चाहिए, तो मैं बार बार इस फाइल में नहीं आऊँगा देखने के लिए। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जस्ट। ओके, सो मैं इसको अब मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ओके, सो ये मेरे पास मिल गया सीक्वेंस। मुझे किस सीक्वेंस में वैल्यूज़ पास करनी है, तो मैंने यहाँ पर कहा फर्स्ट नेम पास करना है स्ट्रिंग। ओके, देन कॉमा, दूसरा जो है लास्ट नेम, तो मैंने यहाँ पर लास्ट नेम पास किया। इसके बाद मुझे मोबाइल नंबर पास करना है, सो मोबाइल नंबर पास किया। देन मुझे जेंडर पास करना है, तो मैंने कहा जेंडर जो करेक्टर वैल्यू थी वो। देन ईमेल, ओके, ईमेल पास किया मैंने। नाउ पासवर्ड पास करना, फाइन। तो सारी वैल्यूज़ मैंने पास कर दी हैं। नाउ जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर हमको कॉल करना सेम मेथड जिससे जो स्टूडेंट है वो सेव हो जाएगा। तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट सेव। ओके, तो ये सेम मेथड क्या रिटर्न करेगा मुझे, बूलियन वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैंने इसको कट किया और मैंने यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू क्रिएट की। मैंने कहा बूलियन रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल न्यू, सॉरी न्यू नहीं, मैंने कहा स्टूडेंट डॉट सेव। सेम मेथड को मैंने कॉल किया, तो जो भी रिजल्ट होगा मुझे रिजल्ट में मिलेगा। तो अगर रिजल्ट ट्रू है इसका मतलब है कि वैल्यू सेव हुई है। सो मैंने कहा इफ़ रिजल्ट, अगर रिजल्ट मुझे मिलता है तो मुझे नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। ओके, सो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, हमने यहाँ पर कहा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस डॉट, नोटिफिकेशन डॉट क्रिएट डॉट, हमने यहाँ पर कहा शो क्रिएट डॉट डॉट सेट नोटिफिकेशन डॉट टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है वो क्या करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड। ओके, स्टूडेंट रजिस्टर्ड, ये एक मैसेज दिखाया मैंने। नाउ डॉट टाइटल, टाइटल हम कर देते हैं इसका सक्सेस, सक्सेस। देन हमने यहाँ पर कहा डॉट शो, शो इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस तरह से ये जो नोटिफिकेशन है वो शो होगा, उसकी जो पोजीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो होगी। तो मैं अगर इसकी पोजीशन सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा पोजीशन, सो आप यहाँ पर पोजीशन पास कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर कहा पोजीशन डॉट बॉटम राइट, आप जहाँ भी दिखाना चाहते हो, तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ टॉप राइट में। मैंने कहा टॉप राइट। ओके, जो पोजीशन है वो मैंने सेट कर दी है। सो यहाँ पर भी हमने एक नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट पहले भी क्रिएट किया हुआ था, सो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो कैसे किया था, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाई, अगर रिजल्ट सही होता है मतलब कि स्टूडेंट अगर सेव हो जाता है तो ये मुझे नोटिफिकेशन दिखेगा। एल्स हमने कहा स्टूडेंट अगर सेव नहीं हुआ है तब मुझे क्या करना है। सो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करके एक नया स्टूडेंट जो नया नोटिफिकेशन है वो क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर मैं कहूँगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ओके, फेल्ड, परफेक्ट, ठीक है। ये इंटरनल सर्वर एरर हो सकती है, तो प्रॉपर मैसेज मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो वो सेव हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको कर देता हूँ शो एरर, शो एरर। ओके, शो एरर किया मैंने, परफेक्ट है। नाउ यहाँ पर जो आपने मैसेज दिखाए हैं एरर वार्निंग के जो मैसेज हैं कि आपने जो जो वैलिडेशन है वो अगर फेल होता है, तो मैं यहाँ पर शो एरर की जगह पर मैं इसको कर देता हूँ शो वार्निंग, ठीक है, क्योंकि वार्निंग कर देते हैं, परफेक्ट है। नाउ एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। सो
रन करते हैं एप्लीकेशन को, रन किया तो जैसे ही स्टूडेंट सेव हो जाएगा मैं इस डेटा को टेबल में भी दिखाऊंगा। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, टेबल में जैसे ही हम दिखाएंगे जब सक्सेस हो जाएगा, सेव हो जाएगा डेटा, उस टाइम पे मैं इसको टेबल में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो टेबल अभी क्रिएट की है वो टेस्ट डॉट जावा से की है, तो मुझे अपना जो मेन क्लास है हमारी जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वहाँ से भी मुझे टेबल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट ऐप में जाऊँगा और यहाँ पर देखेंगे आप जहाँ पर मैं क्रिएट टेबल्स का कोड लिखा, तो मैंने पहले क्विज टेबल बनाई, मैंने फिर क्वेश्चन टेबल बनाई और इसके बाद मैं स्टूडेंट टेबल भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट क्रिएट टेबल, ठीक है। तो वैसे हमारे पास टेबल पहले से बनी हुई है तो ये टेबल नहीं बनेगी, परफेक्ट। नाउ रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन रन हो गया है, वापस आते हैं ऐड स्टूडेंट में, स्टूडेंट को ऐड करेंगे। हमने कहा फर्स्ट नेम, तो नेम यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा संदीप, सेकेंड नेम डाल देते हैं। नाउ हमने यहाँ पर कहा था ईमेल एट जीमेल डॉट कॉम, पासवर्ड डाल देते हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मोबाइल नंबर, सो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल, सो मैंने कहा मेल और मैंने कहा सेव स्टूडेंट, ओके। सो क्या आया, स्टूडेंट रजिस्टर्ड, ओके। सो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे टॉप में स्टूडेंट रजिस्टर्ड का ये मैसेज हमको दिखाई दिया। इसके बाद मुझे जैसे मैंने स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन किया, सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे ये जो फील्ड्स हैं इनको मुझे क्लियर भी करना है, ठीक है। सो इन फील्ड को क्लियर करेंगे। नाउ वापस आते हैं और यहाँ पर देखोगे आप स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है अपडेटेड रोल। सो स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है, तो ऐसे ही क्रिएट होता है तो मुझे जो फील्ड्स हैं उनको क्लियर भी करना है, ठीक है। सो मैं वापस आता हूँ स्टूडेंट टैब पर और यहाँ से मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जिस मेथड की हेल्प से हम जो फील्ड्स हैं उनको क्लियर करेंगे, ओके। सो अलग से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा एक मेथड क्रिएट करेंगे, हमने कहा प्राइवेट वॉइड, यहाँ पर मैंने कहा रीसेट फॉर्म, ओके। सो ये क्या करेगा, फॉर्म को रीसेट करेगा, ठीक है। सो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको मुझे क्लियर करना है, सो मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट पासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट, ओके। सो डॉट क्लियर भी कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड, या फिर सेट टेक्स्ट में आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दोनों तरीके। सो मैंने कहा दिस डॉट ईमेल डॉट क्लियर, ओके, देन दिस डॉट फर्स्ट नेम डॉट क्लियर, दिस डॉट लास्ट नेम डॉट क्लियर, ओके, और क्या है मोबाइल नंबर, सो हमने कहा this.mobile.clear, ओके। एक और था कुछ, ईमेल पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गए, ओके। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन कौन सी टेक्स्ट फील्ड्स हैं हमारे पास। तो टेक्स्ट फील्ड हो गई पासवर्ड, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, परफेक्ट। तो मेल और फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट मेल था फीमेल था कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो सबको सही है। नाउ आपको फॉर्म को रीसेट कहाँ से करना है, तो जब आपका जो स्टूडेंट है वो सेव हो जाता है सक्सेसफुली, रिजल्ट आपका जब ट्रू है जैसे ही नोटिफिकेशन दिखता है, उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा कॉल करूँगा मेथड दिस डॉट रीसेट फॉर्म, ओके। सेव किया, अगर सेव नहीं हुआ स्टूडेंट तो हम फॉर्म को रीसेट नहीं करेंगे, ओके। नाउ रन करते हैं एप्लीकेशन को अगेन, और एक आपको सेव बटन के बाजू में एक और बटन क्रिएट करनी है कि रीसेट बटन, ओके। सो आप कर लोगे आई होप, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ ताकि हम फॉर्म भरने के बाद जब रीसेट बटन को क्लिक करें तब भी हम उसको रीसेट कर सकते हैं। नाउ अगेन एक और एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा सुमित, ओके। नाउ यहाँ पर लास्ट नेम ईमेल डालेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा sumit@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे। नाउ मोबाइल नंबर, इसके बाद मेल सेलेक्ट किया, सेव स्टूडेंट पे क्लिक किया, तो आप देखोगे रजिस्टर्ड हो गया स्टूडेंट और जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डालता हूँ, ओके, सारी मैंने वैल्यूज़ डाली और मैंने कहा सेव स्टूडेंट, ओके, सो यहाँ पर वैलिडेशन एरर है और फॉर्म क्लियर नहीं हुआ है, ये तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट सेव हुआ है, स्टूडेंट सेव होने के बाद उस स्टूडेंट को एक्सेस करके हम उस स्टूडेंट को एक्सेस करेंगे और उसकी जो वैल्यू उस टेबल में यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट पहले से हैं उनको भी यहाँ दिखाएंगे और जो नया स्टूडेंट आया उसको उसके बाद लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ओके। सो यहाँ पर आप देखो कॉलम भी कम है, ईमेल पासवर्ड का कॉलम भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।